से अगर वो आप नहीं भी देने तो भी बहुत है, उसको ज़्यादा नहीं पट्टी लगा के टेप लगानी है, इतना सा काम है, वो बता दूंगा क्या जरूरी है, उसको करेंगे तो बहुत बड़ा काम ही है, इसमें नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आपने आई वी लगा लिया तो आपने तो आराम से लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करना नहीं है। मैं जल्दी से आपको समझा दूंगा कि कहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि चोट का मतलब क्या है, क्या चोट अगर हो सकती है, कौन सी चोट कुछ मिनट के अंदर जान दे सकती है, कौन सी चोट थोड़ा बहुत चल सकती है, जो आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी चोटें आपने को सीटी स्कैन करके ही पता चलती है, डॉक्टर के यहाँ देख के कुछ नहीं कह सकता। चेस्ट ट्रामा बहुत कॉमन ट्रामा है, बहुत स्टीयरिंग व्हील में डैशबोर्ड इंजरी, इन सब कहते बहुत कॉमन है। डैशबोर्ड जो होता है कार का, कार जी का जो स्प्रिंट होता है आपका, उसे डैशबोर्ड कहते हैं। जब आप गाड़ी का ब्रेक लगता है तो अगर बैग आजकल आते हैं कार में, अगर नहीं होते में खुलाने वालों में काफ़ी छाती जाके मिलती है, और इतना फोर्स होता है उससे आपके फेफड़े, हार्ट और जो बड़े बड़ी नलियाँ हैं जो जिनको कनेक्ट करती है वो सब फूट फाट जाती है, और वो सारी चीज़ें दो चार मिनट के मेहमान करती है, तो उन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कार्टून है जो हमने बनाया है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जरूरी है, और बहुत कुछ नहीं होता है यार छाती के अंदर, पसलियाँ टूट जाती है, ये पसलियाँ टूटती है तो पसलियों के नीचे का मामला ये होता है, पसली टूट के आपके फेफड़े को पंचर करती है, गुब्बारे पंचर होने से गुब्बारे में हवा नहीं पड़ती है, और गुब्बारे में हवा नहीं पड़ती, गुब्बारे में बाहर हवा पड़ जाती है और वो गुब्बारे को और भी दबा देती है, ठीक है, वो बिल्कुल काम नहीं करता। दूसरी चीज़ है आपका हार्ट, अगर पसली टूट के अंदर जाती है हार्ट में भी छेद कर देती है और खून बाहर निकल जाता है और हार्ट को गुब्बारे की तरह काम नहीं करने देता। ये दोनों गुब्बारे हैं, एक बड़ा गुब्बारा है, एक पतला गुब्बारा है, एक मोटा गुब्बारा है, एक पतला गुब्बारा है, तो फेफड़े पंचर करना बहुत आसान है, हार्ट पंचर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फेफड़े पंचर थोड़ी आपको 15-20 मिनट देता है, हार्ट पंचर आपको 2-1 मिनट देता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है और वो अपन छोटी मोटी बात करेंगे। एक और कॉमन है इंजरी, कॉमन तो नहीं कह सकते, 100 में से एक बारी में होती है जिसके डैशबोर्ड इंजरी हो, जो बड़ी बड़ी नलियाँ निकल रही है नीली पीली, ये हार्ट से निकल रही है, ये खून वापस हार्ट को जाएगा, ये भी जब खींचता है तब तक आपने हार्ट को जोर से दिया, ये फंसी कई जगह पर होती है तो फट जाती है ये, इसके अंदर भी मरीज को बचाना, अगर ज़्यादा टूटी हुई है तो मुश्किल है, कम टूटी हुई है तो आसान है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अंदर हो सकता है, उसके बाद में अपन सोचेंगे आप क्या कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते हो। आपके जैसा जाकर जी ने कहा, मैं आपको वहीं तक ही पुश करूंगा जहाँ तक मेरे को लगता है आप यूज़फुल हो, मैं वहाँ तक ही आपको पुश करूंगा जहाँ तक मेरे को लगता है आप यूज़फुल हो, मैं वहाँ तक ही इमरजेंसी डॉक्टर को बात करूंगा जहाँ तक वो यूज़फुल हो, मैं वहाँ तक ही सर्जन को, जनरल सर्जन को, ट्रामा सर्जन को फोर्स करूंगा जहाँ तक वो यूज़फुल हो, या कार्डियक सर्जन का रोल आएगा वो कार्डियक सर्जन नहीं कर पाएगा और नहीं है तो छात्र मरीज और मरीज के रिश्तेदार होंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है, वही जरूरी है। बनाने का होता है वो बताएंगे, वो जैसे बंगाली चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। सो ये मरीज है, अगर मरीज को आपने छाती में मारा, आपने उसकी पसलियाँ तोड़ दी, आपने उसका दंत पंचर कर दिया, चाकू मार दिया, आपने उस चाकू को हार्ट में उतार दिया, दिल में उतार दिया, आपने फेफड़ों में उतार दिया, पिक्चरों में दिखाते हैं ये मारा बाद में उसमें मर जाता है, वो सब फालतू की बातें, कई बार मर भी जाता है अगर पूरा बैटरी से पता नहीं लगता है बेटा, और वो उसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं, मैं सारी बात नहीं कहेंगे अपन पूरे यहाँ पे उसकी बात नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन समय होता है आपको पता होना चाहिए या कोई आदमी लग सकता है, कोई यही तरीका नहीं है कुछ करने का और वो ही तरीका नहीं है कुछ नहीं करने का, तो कई सारी बातें होती हैं, मोटे तौर पे आपको बातें पता होनी चाहिए। जो छाती की चोट है वो दो तरह की है, एक तो बंद चोट है, खुली चोट है। बंद चोट है कि ऊपर की चमड़ी एकदम जेगर का मर्डर हुआ था सर, यहाँ जो बड़ा दूषण नहीं था, नीचे से चाकू घुसाया था, तो उन्होंने चाकू को जबरन निकाल लिया था, अब वो क्या हुआ मेरे को जब बात नहीं बता दो, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कैसा चाकू, क्यों चाकू और कब चाकू,
किधर मारा किधर मारा, वो बहुत सारी बातें होगी उसके अंदर। आप उस बात मैं कमेंट नहीं करूँगा जिसके बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या मैंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं देखा उसके लिए, तो मैं बहुत सारी बातों पर कमेंट नहीं करूँगा आपकी। तो क्लोज चेस्ट कीजिए, क्लोज चेस्ट की नीचे जिसमें ऊपर की चमड़ी एकदम साफ हो जाए, ठीक है। आपको ऊपर नीला पीला दिखेगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। हाथ लगाएंगे तो आपको कड़कड़ की आवाज़ आएगी। आप लोग कई बार ध्यान देंगे आपसे तब लगेगा ये हिल रहा है, ये बात कर रहा है, ये कुछ सही नहीं है। तो उसको अपन क्लोज चेस्ट इंजरी करेंगे। आपको छोटा मोटा कट दिख सकता है चमड़ी का, छोटा मोटा आपको नीला पीला दिख सकता है, लेकिन आप डैशबोर्ड की इंजरी को जब देखेंगे किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है उसको आपको अनुमान हो जाएगा। उस एक्सीडेंट सीन को देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एक्सीडेंट सीन को देखना बहुत जरूरी है, और आपका फर्स्ट रेस्पॉन्डर की ट्रेनिंग रहेगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपने एक्सीडेंट सीन को देखा है और आप अपने आप को देखी बात जैसे इनको बताएंगे, प्रॉपर्टी को बताएंगे, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। आप बताएंगे कि इस आदमी की स्टीयरिंग वो टूट गई थी और ये 80-90 की स्पीड पर जा रहा था, मेरे को रोड का मार्ग देख के लग रहा है, तो उस आदमी के चेस्ट इंजरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। आप उस हिसाब से आप भी अलर्ट होंगे, आप उस हिसाब से फ़ोन पे बाकी को भी अलर्ट करेंगे। आप उसको बोलेंगे 17 मरीज लेके आ रहा हूँ, उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे वो 17 मरीज का इलाज तभी चल होगा जब वो इमरजेंसी रूम पहुँच जाएंगे, उसमें जब 12 लोग मोर्चरी जा चुके होंगे तो 5 लोग स्टेबलाइज होंगे और उसके 2 घंटे निकल जाएंगे, 5 बजे फिर 3 मर जाएंगे, और 2 का इलाज होगा वो ऐसे ही मरने वाले नहीं होंगे, आपने इलाज कुछ नहीं किया। मोटे तौर पर वो 2 ही बचने वाले लोग थे क्योंकि उनसे छोटा था चीरा फिरा था, बाकी 15 लोग जिनमें से आपको बचाना था आप एक को भी नहीं बचा पाए, ठीक है। तो आपको समझ होनी चाहिए, सीन को देखना, सीन को समझना, उससे निकालना कि क्या हो सकता है किस मरीज, ठीक है। फिर डैशबोर्ड इंजरी जिसका स्टीयरिंग व्हील टूट गया कार का, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। मरीज बाहर निकल के कांच फोड़ के बाहर आ गया, सर्वाइकल स्कैन इंजरी बहुत बहुत कॉमन है, क्योंकि वो संजय बन जाता है मोटरसाइकिल वाला है कार में भिड़ा, उसके रॉकेट की तरह 20 फुट दूर जाकर गिरा, हाँ वो मोटरसाइकिल वालों में बहुत वो सीधे भिड़ते हैं और जाके सर के बल गिरते हैं, कार की इंजरी सड़क पे बोल के गिरती है, चेस्ट इंजरी बहुत कॉमन होती है, ये चीज़ उनके हिप इंजरी बहुत कॉमन। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एक्सीडेंट टाइम का, एक्सीडेंट टाइम का सीन देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके कारण जो क्लोज चेस्ट इंजरी है, अगर बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा तो आपकी चेस्ट इंजरी हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अपन पोस्टमार्टम वगैरह बाद में करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, वो तो खाना पूर्ति है, लोगों को पता भी नहीं कि आदमी मर रहा है, वो यूँ जाता है कोई आदमी काटता है, उनको पता कैसे होता है गांधी अस्पताल में, वो काटने जा नहीं सकते कहीं पर भी, वो यूँ काटता है वापस को जाना बंद कर देता है, डॉक्टर बार बार को लिख देता है, सब बकवास है, हकीकत किसी को नहीं पता क्या होता है, बाकी हकीकत बताऊंगी चाहिए, ठीक है। और आपको लोगों को बताया जाना चाहिए, ये हमारी गलती है कि हम आपको ये सब बातें नहीं समझा पा रहे। ओपन चेस्ट इंजरी जिसके अंदर चमड़ी पूरी खुली हुई है, उसके अंदर अंदर के घाव है ना, वो अंदर के घाव बारिश के घाव से मिले हुए हैं, तो ओपन चेस्ट पूरा खुला हुआ है, उसके अंदर क्या हो सकता है। अगर आपका ओपन चेस्ट इंजरी है, पक्का आपकी हड्डी फूटी हुई है और हड्डी ने पक्का आपके फेफड़ों को तोड़ा है, मेरे को आश्चर्य होगा अगर हड्डी टूटी हुई है और चमड़ी कटी हुई है और फेफड़े में पंचर नहीं हो, मेरे को आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें पक्का फेफड़े का छेद होगा पक्का, ठीक है। बहुत रेयर होगा उसके अंदर छेद नहीं होगा, उसमें भी अगर आपको जो छेद होता है उसका वाला काम करना है वो सही है, उससे मरेगा नहीं आदमी। आप अगर इसमें ज़्यादा ट्रीट कर दोगे तो भी आदमी को आप मारोगे नहीं, आप उसमें चेस्ट ट्यूब डाल देंगे, जो भी करेगा डॉक्टर तो डॉक्टर जो भी करे वो गलती नहीं करेगा, आपको कोई ऐसे की जरूरत नहीं है। आपको सोच लेना चाहिए इनके अंदर कि आपके फेफड़े फूटे हुए हैं और आपको हवा बाहर निकालनी है, वो हवा बाहर निकालने की मैं बात करूंगा आपसे। तो जैसे मैंने बताया वापस 3 चीजें हमेशा मैं हर लेक्चर में बोलूंगा, सीन को समझो, सीन को देखो, सीन के हिसाब से आप समझो कौन से मरीज में क्या चोट लगी होगी। आपको समझ में आ गया सीन के देख के, सीन को समझ के कि इसमें ये दिक्कत है, ये इसमें ये चोट हो सकती है, और उस हिसाब से आप तैयार हो तो आप बहुत सारे मरीजों को बचा पाओगे। आपको हमेशा एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, हर मरीज को कोई भी मरीज हो आँख बंद करके चीज़ करनी है, कुछ भी हो जाए पर भी कहीं पे भी
ये तीन चीज करनी है, आपको लग गया इसका ठीक है, एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन चल रहा है, रवाना करो दोस्त, बोले यार तू चल, तो वो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो साइड में बैठ जाए, ठीक है, तो थोड़ा आराम कर ले, बाकी हम से बात, उससे क्या आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे उस मरीज का, और उसके बाद में आप देखें क्या वो सटिंग के बाद, उसके बाद में आपको तो अगर छेद हुआ हुआ है बाहर से और अंदर से वो हवा खेचेगा जब आप यहाँ से देखते उसके बाद जाएगी वहाँ पर चमड़ी से, क्योंकि चमड़ी से वो यहाँ से नहीं दे पाएगा, और वो छेद तो बुखार का काम नहीं कर रहा है, लेकिन हवा यहाँ से अंदर घुसेगी तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं, यहाँ पर सुनेंगे तो यहाँ पर ऐसी आवाज आएगी, आपने देखा अगर एक्सीडेंट को ध्यान से देखा है तो आपके छाती में से आवाज आ रही होगी, उसको बचाना बहुत आसान है, एक पट्टी लगानी है, पट्टी नहीं लगाएंगे तो वो दो मिनट आदमी चला जाएगा आपसे, केवल दो और एक पट्टी लगानी, कुछ बड़ा काम नहीं करना, एक पट्टी बस। तो कैसे होता है अगर आपके फेफड़े फूट गए तो ये दो फेफड़े है आपके चोट लगी तो फेफड़े तो जो आपकी हड्डी का ढांचा है वो तो पक्का है लेकिन गुब्बारे नीचे बैठ रहे हैं, आपके फेफड़ों के गुब्बारे नीचे बैठते जाएंगे और धीरे धीरे आपको सांस के लिए शुरू में मरीज ऐसे करेगा क्योंकि उसको अंदर खुजली हो रही है, उससे जो नशे हैं वो इरिटेट हो रही है, उससे वो सांस लेने की कोशिश करेगा और खांसने की कोशिश करेगा, जितना और खास सांस नहीं आएगी वो और सांस लेने की कोशिश करेगा और जलन होगी तो और खांस करेगा, और वो आदमी जाने की तैयारी में, जब इतना ज़्यादा फेफड़ा नीचे बैठ जाए कि वो कर ही नहीं पाए और बाहर इतनी हवा इकट्ठी हो जाएगी, हवा बाहर नहीं जा पाए जो बाहर की हवा है, तो वो प्रेशर इतना बन जाएगा कि वो आपके हार्ट को भी धक्का मार के उसकी नालियाँ बंद कर देगा, हार्ट की ट्यूब ऐसी लगी है वो प्रेशर बनती आपके हार्ट को इधर भेज देगा और हार्ट की नाली किंक हो जाएगी, किंक होने से आप पानी का नाली का बंद कर देंगे तेज बहाव आता है, आप अगर ऐसे बंद कर देंगे उसको तो नाली में तो पानी ना तो निकलेगा तो आदमी उसी टाइम मर जाएगा, उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम आप कुछ भी करते रहें, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन सब करते रहें, क्या भी चला गया आपसे, इसको बचाने के लिए आप उसको पहले तो कैसे देखेंगे, आप उसके जो आपकी बीच में सांस की नदी है जिसको आप फील करते हैं, आप उस आदमी की सांस की नदी देखेंगे, वो सांस की नदी इधर आई होगी एक तरफ पूरी, जब आप फील करेंगे एकदम सेंटर में होती है आपकी सांस की नदी, अभी बता देंगे एकदम सेंटर में मिलेगी, उस आदमी में एकदम से आपको साइड में दिखेगी, वो बीच में तो खटो गायब हुई तो सांस की नदी साइड में पड़ी है, अगर आपने किसी आदमी की देखी सांस की नदी तो उसको बचाने का तरीका एक ही है, वो हवा जिस तरफ अगर इधर की तरफ गई है तो इधर हवा बाहर निकल गई और इधर गई है तो इस तरफ हवा बाहर है, फिर पड़ोगे तो आपको वो हवा वहाँ से वापस बाहर निकाल दी हार्ट वापस सुधरा जाएगा, केवल इतना सा काम करना है आपको, ठीक है, और वो फिर उसके मुँह में से खून आएगा, वो पिक्चरों में दिखाते हैं मुँह में से खून आया और ये सब हुआ, ये उसी कारण से होता है, बहुत वो पिक्चरों में तो यही है कि दिखाया खून आया तो मतलब मर गया, वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अगर आपने हवा निकाल दी मरीज से बच जाएगी, पिक्चरों में सारा काम गड़बड़ घोटाला कर रखा है और उसे अपन गड़बड़ घोटाला में चल रहा है सारा, उसमें अभी तक कोई पिक्चर ऐसी नहीं आएगी जिसको किसी ने ठीक करके दिखाया हो, वो अभी तक वही दिखा रहे हैं पिछले 50 साल से कि आदमी का एक्सीडेंट हुआ पानी मांगा पानी पिया मर गया, आदमी के मुंह से खून आया जागा आदमी मर गया, पिक्चर अभी तक यही दिखा रही है और यही अपन सोच रहे हैं क्योंकि अपनी गलती नहीं उस तरह से समाज चल रहा है, ये छाती की इस आदमी की छाती के ऊपर खुले चोट है, आपको एक पट्टी लगानी है उसके ऊपर, कोई भी पट्टी लगा के तीन तरफ टेप लगा दो, एक तरफ रास्ता खुला रहो, जब आदमी करने की कोशिश करेगा तो पट्टी अंदर घुस जाएगी और बंद कर देगी, और जब वो सांस वापस छोड़ने लगेगा तो अंदर की हवा प्रेशर बनेगा तो उस रास्ते से निकल जाएगी, क्योंकि वॉल एक तरफ ही काम करता है, अगर अंदर की तरफ पट्टी लगाई होती तो उल्टा काम हो जाता, अगर छत्ती के अंदर जाकर अपने तो उल्टा काम करता, अपने ऊपर की तरफ पट्टी लगाई है चमड़ी के ऊपर तो काम सीधा करेगा, ठीक है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी लेकिन आपको इतना सही करना है और ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्ड है, आपको किसी का भी दिखे खाली छाती पे चोट लगी हुई तो आपको जितना सही काम करना है, आप उतना सा काम कर लेंगे तो उससे उसका जान बचने के पूरे पूरे संभावना है, अगर आप हाथों पहुँच गए, अब थोड़ी लेट पहुँचे और उसकी बहुत सारी हवा अंदर छाती में घुस गई तो आपको फिर
निडल डीकम्प्रेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो निडल डीकम्प्रेशन अपन आपसे नहीं कराएंगे क्योंकि मेरे को पता नहीं है अभी कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा है पुलिसमैन और ऐसा कुछ भी। बहुत सिंपल सा तरीका है निडल डीकम्प्रेशन का, अगर प्रेशर बना हुआ है कोई भी 2 इंच लंबी, 1.5 इंच से 2 इंच लंबी कोई भी सुई लेके जो आपकी किट में होती है, आपके यहाँ पे हड्डी है कॉलर बोन जिसको कहते हैं, जो पहली हड्डी है जो आपको फील कर रही है हड्डी मेन है कॉलर बोन, ठीक है। इसके नीचे जाके जहाँ पे आपका निपल है इस लाइन में, इस कॉलर बोन के नीचे सुई को बस घुसाना होता है सीधा, इतना ऐसा काम करना होता है। एयर को अपन को बाहर निकालना, बस प्रेशर इतना होता है आपको डालेंगे ना टाइम के बाद जो दिक्कती है वैसे हो जाएगी आपको एग्जैक्ट। वो अभी इसके अंदर अपने है आप सबको मैं बता देता हूँ, आप सबको मैं बता देता हूँ, यह आपकी हड्डी है कौन, ये मेन आपकी हड्डी है जो सबसे पहले आपको फील होती है, फिर जैसे नीचे जाके आपको ये आपका निपल है इस लाइन में देख के इस हड्डी के नीचे जो जगह है उसमें घुसाना होता है, ये आपकी हड्डी है इसके नीचे, ये मेन हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी दी थी आप, ये हड्डी निपल की लाइन में देख के सीधा 1.5 इंच से 2 इंच लंबी होनी चाहिए, जितना मोटा आदमी होती है बड़ी चपड़ी होगी सही निडल होनी चाहिए, हिंदुस्तान में तो मोटे आदमी ज़्यादा होते नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा फैट हो और वो बहुत आराम से अपने धूल सही अपनी निडल और हवा कर गए और वो आदमी को बात करने लगेगा, इतनी सी देर लगेगी उसको कि वो धूल सी देर, ठीक है। और उस आपको पेशेंट को ले जाना होगा, मैं वापस वही सारी बातें कर रहा हूँ जो आपको करनी है और मैं उसको नेक्स्ट पेज पर करता हूँ।